नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की मां शबनम सिंह से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। मंगलवार को 5 लाख एडवांस लेते हुए आरोपी युवती को गुरुग्राम पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। युवती ने झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर शबनम सिंह से 40 लाख रुपए मांगे थे। युवराज सिंह की मां शबनम ने गुरुग्राम में DLF फेस 1 पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2022 में युवराज सिंह के छोटे भाई जोरावर सिंह के लिए हेमा कौशिक उर्फ डिम्पी नाम की केयरटेकर को नौकरी पर रखा था, क्योंकि जोरावर सिंह पिछले 10 सालों से डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित थे। शबनम सिंह ने बताया कि 20 दिनों के अंदर ही उन्हें लगा कि केयरटेकर हेमा कौशिक प्रोफेशनल नहीं है और वह उनके बेटे जोरावर सिंह को अपने जाल में फंसा रही है। इसी के चलते हेमा कौशिक को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद मई 2023 में हेमा कौशिक का लगातार उनके पास व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल आने लगे। हेमा ने धमकी दी, अगर उसे पैसे नहीं दिए गए तो वो उनके परिवार को झूठे केस में फंसा देगी और उन्हें बदनाम कर देगी। इस एवज में हेमा ने 40 लाख रुपए की मांग की थी। युवराज की मां ने बताया कि 19 जुलाई को ही हेमा का उनके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि वो 23 जुलाई को उनके खिलाफ केस दर्ज करा देगी, जिसके बाद उनके पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। इस पर उन्होंने हेमा से इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने के लिए समय मांगा। इसके बाद सोमवार तक 5 लाख रुपए देने की बात तय हुई। इस पर मंगलवार को जब हेमा कौशिक 5 लाख रुपए लेने आई तो पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद युवती को जमानत पर रिहा कर दिया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।